नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और कस्टम ऑक्शन की। आज एक बहुत ही अच्छा कस्टम ऑक्शन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये दिल्ली टेकेडी पोर्ट में होने वाला है, दिल्ली के तुगलकाबाद कंटेनर डिपो में होने वाला है। क्या क्या आइटम है, कौन सी डेट में इंस्पेक्शन है, किस डेट में बिडिंग है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जो जो सही सही आइटम है आप लोगों को एक बार में बता दूंगा। डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से अगर आप लोगों को डिटेल में ये पूरा का पूरा लिस्ट देखना है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सीधा सीधा मैं आप लोगों को अपनी वीडियो स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या क्या आइटम है, कभी इसकी बिडिंग डेट है, कभी इसकी ऑप्शन डेट है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन की डिटेल यहाँ पे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये ऑप्शन कराया जा रहा है। इंस्पेक्शन डेट जो है वो है 14/3/2022 और 15/3/2022, और उसकी बिडिंग डेट जो है वो है 16 तारीख की, 16/3/2022 को बिडिंग डेट होनी है। अगर आप लोगों ने एमएसटी सिम रजिस्ट्रेशन करा रखा और आप लोगों के पास कार्ड है तो आप लोग इस ऑक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं उस कार्ड को दिखा के, और बाद में उस आईडी पासवर्ड के थ्रू आप ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए कहाँ पे हो रहा है, नॉर्दर्न रीजन इनलैंड कंटेनर डिपो तुगलकाबाद न्यू दिल्ली में, ये एड्रेस है। तो सबसे पहले सीधा सीधा आप लोगों को आइटम दिखाता हूँ, क्या है आइटम देखिए। सबसे पहला आइटम है बॉब फिल्म, द रोल्स में है ये इलेक्ट्रिक राइस कुकर, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। कब का अराइवल है, 2016 का अराइवल, तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ई रिक्शा इन कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन। उसके बाद आपका है ऑल यूज स्क्रैप मशीनरी स्क्रैप है, तो स्क्रैप वालों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस बारी। होजरी बैग्स भी है इस बारी। एल्यूमिनियम स्क्रैप फिर से आ गया, एल्यूमिनियम स्क्रैप आप लोगों को पता है काफ़ी वैल्यूबल होता है, तो उसकी बिडिंग में काफ़ी हाई जाती है, तो उस हिसाब से आप बिडिंग ज़रूर करिए। उसके बाद है आपका मशीन आया हुआ है कोई, फिर आपका एक और मशीन है, मशीन का मैंने आप लोगों को लाइव ऑक्शन में भी कई बार दिखा रखा है। बॉब फिल्म का एक और कंटेनर है। ई रिक्शा इन कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में एक और कंटेनर है इस बार, इन लोगों ने इस पर कंडीशन भी नहीं डाल रखी, नहीं तो जनरली ये लोग जो वो अपना एक जो कंप्लाइंस सही होता है ई रिक्शा के लिए वो डाल के रखते हैं, बट अब क्योंकि ई रिक्शा बिक नहीं रहा तो इन लोगों ने मे भी वो कंप्लाइंस हटा दिया है। तो एक और कंटेनर है आपका ई रिक्शा का कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में, फिर से ई रिक्शा कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन। ई रिक्शा के काफ़ी सारे कंटेनर पहले भी आए हुए थे, फिर से आए हुए घूम के वापस आ चुके हैं, मेरे ख्याल मे बी बिडिंग नहीं लगी होगी तो वापस आ गए हैं। फिर से बी ग्रेड बॉब फिल्म है, ई रिक्शा इन कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, वेस्टिंग हाउस गारमेंट स्टीमर। अच्छा, गारमेंट स्टीमर भी आया हुआ है, देखिए इसमें कोई BIS भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, US का ब्रांड है इन्होंने लिख रखा है, और जो भी बिडिंग करेगा वो अपने हिसाब से उसको देख के ड्यू डिलीजेंस के साथ बिडिंग करे, इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बी ग्रेड बॉब फिल्म, HMS लूज एंड रबर, फिर रफ मार्बल ब्लॉक्स इससे पहले भी कई बार आए हुए थे, रबर कंपाउंड है, इसके बाद नेचुरल रबर भी है, मशीनरी फिर से आई हुई है, होटल आइटम करके भी आया हुआ है। होटल आइटम मेरे को लगता है कि इसमें काफ़ी सही सही चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि होटल में लगने वाली चीज़ें वो काफ़ी अच्छी होती हैं। कोशिश करूँगा आप लोगों को लाइव वीडियो में दिखा दूँ। एम्ब्रॉयडरी मशीन, इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि एम्ब्रॉयडरी मशीन का एक बहुत बड़ा स्मगलिंग हुआ था टिकेटी पोर्ट में, तो मे भी हो सकता है कि वाला कंटेनर आ गया हो ऑक्शन में। फिर लेज़र कटिंग एनग्रेविंग मशीन भी आया हुआ है, काफ़ी अच्छी मशीन है, आजकल काफ़ी डिमांड में है ये। पॉलिस्टर फैब्रिक इन रोल्स मैंने आप लोगों को दिखा रखा है ऑलरेडी। उसके बाद क्रेस्को BT एक्सपेंडिंग वाटर स्टॉप ETC, उसके बाद ओल्ड एंड यूज कंडेंसिंग यूनिट्स इवापोरेटर, और इवापोरेशन करके कोई मशीन होगी उसी का आया हुआ है। ओल्ड एंड यूज मशीनरी फिर से आई हुई है, मास्क मेकिंग मशीन आ रखी है इस टाइम पे, मास्क मेकिंग मशीन। ब्रिक्स का कंटेनर आया हुआ है, ब्रिक्स का एक और कंटेनर है, स्टील ड्रम विद सॉलिडिफाइड सीमेंट, पहले भी आ रखा था, किसी ने खरीदा नहीं। केबल वायर का भी काफ़ी पुराना कंटेनर पड़ा हुआ है यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट का कंटेनर पड़ा हुआ है। इसके बाद एक शूज़ का कंटेनर है, पता नहीं इसकी कंडीशन कैसी रहने वाली है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शू की कंडीशन अच्छी थी, और नाइकी एसोर्टेड ब्रांड्स यानी ये कॉपी ब्रांड होते हैं, तो अगर आप लोग शू वगैरह में डील करते हैं तो आप इस कंटेनर के लिए भी बोली लगा सकते हैं। टोटल कंटेनर यहाँ पे 36 है, इसके अलावा जो एम्प्टी कंटेनर से वो भी आए हुए हैं, पिछली बारी भी वो लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो इस बार दिखा के आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दोनों लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ICD तुगलकाबाद में ये ऑक्शन होने वाला है, और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे थ्रू ऑक्शन में पार्ट लेना तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे थ्रू MSTC में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इस ऑक्शन वाले प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें हमारी टीम आपको अगले एक साल तक हेल्प करती है। प्लस आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी हमारा बंदा ऑन साइड प्रेजेंट होता है आपको सॉर्ट आउट कराने के लिए। तो ये था पूरा वीडियो ऑक्शन का, तुगलकाबाद में होने वाले ऑक्शन का। 36 कंटेनर ऑक्शन में आए हुए हैं इस बारी, जो इंस्पेक्शन डेट है वो है 14/15 की, और जो बेडिंग डेट है वो है 16 तारीख की। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वहाँ पर जरूर जाएंगे। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।